स्कूल वाले परीक्षा इसलिए लेते हैं कि वह देखना चाहते हैं कि आप अगले क्लास में जाने योग्य हो या नहीं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमें समस्या इसलिए देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके, वह हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, समस्याओं से आप परेशान न हो और हमेशा ईश्वर का धन्यवाद बोले, क्योंकि वह हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह देखना चाहते हैं कि मैंने जो समस्या दिया क्या उससे वह लड़कर जीत रहा है कि नहीं, या वह यह देखना चाहते हैं कि क्या उस समस्या से वह परेशान होकर और सर पर हाथ रखकर बैठ गया। दोस्तों ऐसा न करें और हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी नजर हम पर है और हम यदि साबित करके और समस्याओं से लड़कर यदि जीत जाते हैं तभी हमको ईश्वर प्रमोट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। हमारे देश में हमारे सैनिकों का एक अलग रेस्पेक्ट है। आप सभी देखते होंगे कि जब रास्ते में हमें सैनिक दिखाई देते हैं तो हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे बड़ों ने, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति ने हमें अपने सैनिकों का सम्मान करना सिखाया है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब हम अपनी गाड़ी से जाते हैं और कोई सैनिक रास्ते में हमसे लिफ्ट मांगते हैं तो हम उन्हें, यदि हमें 1 किलोमीटर तक जाना है और उन्हें 2 किलोमीटर जाना है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो हम लोग उन्हें 2 किलोमीटर तक छोड़कर आते हैं, मतलब उनके घर तक या जहां पर उन्हें पहुंचना है वहां तक छोड़ते हैं। ऐसा मतलब जितना संभव हो पाता है सैनिकों के प्रति ये सम्मान हमें सिखाया गया है। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। दोस्तों आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। दोस्तों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रगति कितनी धीमी गति से हो रही है, बल्कि आप आज भी उन लोगों से आगे हैं जो कुछ भी करने की कोशिश अपने जीवन में नहीं करते हैं।